नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं ANGNews.in। एनजी न्यूज के खास कार्यक्रम एनजी न्यूज की चुनाव यात्रा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एटा जनपद लोकसभा क्षेत्र के कासगंज जनपद में आज हम मौजूद हैं। एनजी न्यूज का चुनावी यात्रा कार्यक्रम आज कासगंज जनपद में है। देश और प्रदेश की दो प्रमुख नदियां गंगा और काली नदी के बीच में कासगंज मौजूद है। साथ ही साथ कासगंज जनपद का आजादी के आंदोलन में एक खास योगदान रहा है। चुनावी माहौल में कासगंज की जनता का क्या मूड है, कितना विकास यहां हुआ है और क्या यहां के सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं, इसी मुद्दे पर हम आज करेंगे यहां की कासगंज जनपद की जनता से बात। मैं अपने कैमरा पर्सन आदित्य गुप्ता से कहूंगा कि एक बार जनता की तरफ कैमरा घुमा दें, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के क्या मुद्दे हैं, यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है और यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज हमारी बात होगी। लेकिन लोकसभा क्षेत्र की यदि मैं बात करूँ, एटा लोकसभा क्षेत्र की यदि मैं बात करूँ, तो यह सीट अपने आप में एक VIP सीट मानी जाती है, क्योंकि 2009 के इलेक्शन में यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी मुलायम सिंह यादव के सहयोग से सांसद बनने में कामयाब रहे थे। 2014 की मोदी लहर की यदि हम बात करें तो उनके पुत्र राजवीर सिंह राजू भैया यहां से अपना झंडा फहराने में कामयाब रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज हम करेंगे जनता के बीच बात। क्या यहां के मुद्दे हैं, क्या सांसद राजवीर सिंह राजू भैया जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और कितना यहाँ पर विकास कार्य हुआ है, तो आइए चलते हैं कासगंज जनपद की जनता के पास। भाऊजी, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जी, आप हमें ये बताएं कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ? विकास कार्य जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ अभी तक। जी, जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। जितना विकास कार्य होना चाहिए था उतना विकास कार्य नहीं हुआ है। भाऊजी, क्या नाम है आपका? रविकांत सक्सेना। रविकांत जी, आप बताएं कितना विकास कार्य? विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, सिवाय वायदों के और कुछ नहीं हुआ है। माननीय सांसद महोदय ने यहाँ इधर दिखाई नहीं, कासगंज जनपद में क्या काम होने चाहिए, मुख्य रूप से क्या नहीं होने चाहिए, कोई गौर नहीं किया उन्होंने। इनका कहना है कि यहाँ पर विकास कार्य जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। बाबू, क्या नाम है आपका? कितना विकास कार्य हुआ है? देखिए, ये जब से भाजपा सरकार आई है कोई विकास नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है। और खुद राजवीर सिंह जो राजू भैया हैं, उनका जो गोद लिया हुआ गांव है औरंगाबाद, वो गांव बिल्कुल नाली पानी बह रहा है, जबकि वो अपना गांव नहीं सुधार पाए तो पूरे एटा जिला को क्या सुधारेंगे। वो आते हैं सिर्फ एक ही जगह, उनका स्टैंड है, वहाँ रुकते हैं और अपना नाश्ता पानी किया और निकल जाते हैं, उन्हें जनता की कोई परवाह। इनका कहना है कि यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारे साथ में और तमाम लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कितना विकास कार्य हुआ है कासगंज में? कासगंज में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज जिसका शिलान्यास योगी जी द्वारा किया गया, वो एटा जनपद में है, कासगंज जनपद को कुछ नहीं मिला। कासगंज जनपद को कुछ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? रावल जी। राहुल जी, कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ? वो एटा जनपद को मिला है मेडिकल कॉलेज, कासगंज के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। भाऊज, क्या नाम है आपका? गोपीनाथ। गोपीनाथ जी, आप हमें बताएं कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ? अच्छा हुआ है इसका। अच्छा हुआ है। हाँ। क्या क्या विकास कार्य किया है, कराए गए हैं? एक तो सड़कों का, जो सड़कें यहाँ टूटी फूटी थी उनका, अच्छा दूसरे स्कूलों का, राजकीय इंटर गाँव में खुलवाए, डिग्री कॉलेज खुलवा दी, ये जिससे भविष्य के लिए बच्चों के लिए बढ़िया है। जितना विकास कार्य हुआ है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। इनका कहना है कि जितने विकास कार्य हुए हैं उनसे ये संतुष्ट हैं। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं, हर तरह के, हर तबके से लोग यहाँ पर आए हैं, आइए उनसे हम जानेंगे कि कितना विकास कार्य हुआ है आखिर में। क्या नाम है बाबू जी आपका? सचिन माहेश्वरी। सचिन माहेश्वरी जी, कितना विकास कार्य हुए यहाँ? देखो सर, विकास कार्य तो हुआ है, होता है, होता रहेगा। समस्या सुनिए, समस्या क्या है? समस्या हमारी चिकित्सा और शिक्षा में, चिकित्सा शिक्षा बढ़िया होगी, विकास कार्य अपने आप हो जाए। जितना विकास कार्य कराए गए हैं क्या संतुष्ट हैं?
विकास कार्य तो होता है होता रहेगा, इससे मतलब नहीं। हमारी समस्या है चिकित्सा शिक्षा, ना तो यहाँ चिकित्सा बढ़िया है ना शिक्षा बढ़िया है। हमारा मेन मुद्दा है चिकित्सा शिक्षा का। सांसद जी की यदि हम बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों एक मेडिकल कॉलेज दिया है एटा लोकसभा क्षेत्र को, उसका योगी जी द्वारा शिलान्यास हुआ, उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एटा कासगंज की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ रेफर स्लिप के नाम से ये जाना जाता था। तो क्या मेडिकल कॉलेज से यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं सुधरेंगी? बिल्कुल नहीं सुधरेंगी, हमारे हमारे क्षेत्र के लिए नहीं सुधरेंगी। क्यों? क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, एटा से बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा, हम तो चाहते हैं हमारे कासगंज में ये चिकित्सालय बना, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, 25 किलोमीटर यहाँ से दूरी है उस चिकित्सालय की, मेडिकल कॉलेज की। अगर विकास कार्य की बात करें तो 25 मिनट आज की रेट में जो विकास कार्य जो हमारा हाईवे बना है उसमें 25 मिनट का जरूरत है, 25 मिनट पहुँच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं है, हमारे कासगंज की कुछ होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? सुरेश कुमार जी, बताएं आप किसान हैं क्या? हाँ, कितना विकास कार्य हुआ है और क्या आप संतुष्ट हैं इन विकास के दावों से? विकास कार्य तो हुआ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे किसानों के लिए 2000 रुपए दिए, जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए क्या किया है सरकार ने? मेरा मुद्दा यही। तो आपके पास जमीन नहीं है क्या? दादा है हमारे पास, तो लेखपाल लोगों ने भी घपला किया है। औरों के पास नहीं है जमीन, उनके लिए क्या किया है जिनके पास जमीन नहीं है? मेरा कहने का मतलब ये है, किसानों के लिए 2000 रुपए दे दिए, तो जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए क्या किया है सरकार ने? मेरा कहने का मतलब ये, इनका कहना है कि 2000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, उसका ये स्वागत करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास जमीन नहीं है तो उन लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या किया है? हमारे साथ और तमाम लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबू जी आपका? मनोज पांडे जी, जो विकास कार्य कराए गए हैं उनसे क्या आप संतुष्ट हैं? विकास कार्य तो यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, और जिस तरह से एटा कासगंज लोकसभा EIP लोकसभा मानी जाती थी, क्योंकि कल्याण सिंह जी के बाद उनके पुत्र राजू भैया यहाँ से चुनाव लड़े और जीते भी। संक्षेप में बताएं, यहाँ जो आकांक्षाएं लोगों को थी कि VIP सीट होने के बाद यहाँ का जो विकास होगा उसके हिसाब से, तो लोग तरस गए राजू भैया के दर्शन करने को भी। जब जनता सांसद से मिल ही नहीं पाएगी तो विकास कार्य कहाँ से होंगे? विकास कार्य बिल्कुल शून्य है। यहाँ अगर विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार का हुआ है, विकास हुआ है तो अतिक्रमण का हुआ है, बाकी किसी चीज का यहाँ कोई विकास नहीं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? बबलू चौधरी। बबलू चौधरी जी, क्या विकास के दावों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी यहाँ की जो समस्या है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारों के जो साथ है दुनिया उसके साथ है। एक्चुअली सबसे बड़ी परेशानी जो है सिर्फ बेरोजगारी, गरीबी और बेरोजगारी, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। विकास हो न हो, हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब सरकार के वादे झूठे फूटे सब चलते रहते हैं। इनका साफ कहना है ये विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है सर आपका? हसनैन अहमद। क्या नाम है? हसनैन अहमद। हसनैन अहमद जी, आप ये बताइए कि यहाँ के जो विकास कार्य हुए हैं आप उससे संतुष्ट हैं? सर, विकास तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तो सांसद जी को देखने तक को तरस जाते हैं लोग, देखने के लिए उन्हें तरसते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, तब भी नहीं आते हैं। यहाँ पे एक एक आजकल बात चल रही है, विपक्ष द्वारा उठाई जा रही है कि रमजान में चुनाव कराए जा रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? रमजान में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी, रमजान में अगर सरकार चुनाव करा रही है तो हम रमजान रखेंगे और रमजान में ही हम वोट डालेंगे। आप रमजान में वोट डालेंगे? जी डालेंगे। इनका इनका कहना है कि रमजान में भी हम वोट डालेंगे, सरकार रमजान में यदि चुनाव करा रही है तो उसका इन पर कोई भी असर नहीं है, और बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग वोटिंग करेंगे। हमारे साथ और तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? अखिलेश अग्रवाल, अध्यक्ष व्यापार मंडल कासगंज। अखिलेश जी, आप ये बताएं यहाँ जितने विकास कार्य कराए गए हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? विकास कार्य कराए गए हो तब तो संतुष्ट हूँ, जब विकास कार्य कुछ हुआ ही नहीं है तो संतुष्टता की बात आती ही नहीं है। व्यापारियों के लिए इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और अधिकतर देखने में आता है जितनी भी गवर्नमेंट आती हैं लुभावने वायदे करती हैं, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं करा। GST की व्यापारियों की मांग है कि इसका सरलीकरण होनी चाहिए, वो कभी नहीं हुआ। किसान का तो कर्ज माफ हो जाता है, व्यापारियों के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, जो थोपी जाती है, कर प्रणाली थोपी जाती है, वो आज तक किसी गवर्नमेंट ने माफ नहीं करी। हमने मांग रखी थी सीनियर सिटीजन होने के बाद जो भी पंजीकृत व्यापारी है उसको आजीवन पेंशन मिलनी चाहिए। व्यापारी दुर्घटना बीमा 10 लाख का होना चाहिए जो पंजीकृत व्यापारी है, लेकिन गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती।
हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। इस बार यदि हम व्यापारियों की ही बात करें तो व्यापारी किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जाएंगे? व्यापारी हितों के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। जिस प्रकार से किसानों के कर्ज माफ होते हैं, उसी प्रकार से जो छोटे तबके का व्यापारी है अगर बैंक से लोन ले लेता है और देने की स्थिति में नहीं है, अरे सुसाइड अगर किसान कर रहा है तो व्यापारी भी सुसाइड कर रहा है। व्यापारी के कर्जे भी माफ होने चाहिए। इनका साफ तौर पर कहना है कि व्यापारी के कर्जे भी माफ होने चाहिए। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? नविंदर चंडो। सर क्या विकास कार्य यहाँ कासगंज में कराए गए हैं और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? जो पिछली सरकारों के टाइम में विकास हुआ वही योजनाएं चल रही हैं। नई योजना कोई अभी कासगंज को मिली थी और उन्हीं को बनाया जा रहा है कि हमने कर दिया, ये हमने कर दिया। यहाँ के सांसद जी और विधायक जी से हमारा निवेदन है कि वो यहाँ की जनता की आवाज़ को सुने और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, जैसे एक सीवर लाइन की समस्या है, सीवर लाइन की बहुत दिनों से यहाँ पे डिमांड है लेकिन सीवर लाइन के ऊपर कोई भी योजना अभी तक यहाँ के विधायक और सांसद ने बना के हमारी सरकारों को प्रदेश की और देश की नहीं दी, जो कि बहुत जरूरी अहम चीज़ है। इनका कहना है कि यहाँ जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं उन्हीं को कराया जा रहा है। और हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सैयद उसामा अली। क्या नाम? उसामा अली। उसामा अली जी, यहाँ कितने विकास कार्य हुए हैं? यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ना ही कभी कल्याण सिंह बाबू जी जब मुख्यमंत्री थे ना तब विकास कर रहे हुआ और सांसद जी है ना अब विकास कर रहे हुआ है। और विकास क्या, हमने तो सांसद जी को जब इलेक्शन में ही देखा है उसके बाद हमने आज तक नहीं देखा है। और रही बात मेडिकल कॉलेज की, तो उसका केवल शिलान्यास हुआ है, ये केवल अपने बीजेपी कार्यालय बनाना जानते हैं जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, उसके अलावा कोई कार्य नहीं होता है। रही बात रमज़ान में इलेक्शन की, तो रमज़ान में इलेक्शन में मुसलमान हमेशा साथ था बीजेपी को हराने के लिए, अब भी रमज़ान में निकल कर सुबह से शाम तक हम तो यही सोचेंगे कि यही। इनका कहना है कि रमज़ान में भी मुस्लिम भाई अपनी वोटिंग करेंगे। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? अभय जी, ये बताएं कितना विकास कार्य हुआ है यहाँ? विकास कार्य जो भी हुआ था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, चाहे एटा से कासगंज वाला फोर लेन सड़क हो या आपकी डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसमें जितने विकास कार्य हुए समाजवादी पार्टी सरकार में हुए थे। 108 नंबर एम्बुलेंस, 100 नंबर जो योजना की गई थी अखिलेश यादव, वो सारे काम विकास का समाजवादी पार्टी सरकार। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हैं और सड़कों की यहाँ के जो हालात हैं वो बेहद खराब हैं। तो अखिलेश सरकार ने 5 साल अपने गुजार दिए, फिर भी यहाँ की जो सड़कें थी उनको क्यों नहीं सुधार पाए? देखिए मौजूदा सरकार बीजेपी की, बीजेपी का कर्तव्य होता है सड़कों का काम पूरा करना। गड्ढे मुक्त वाली योजना बीजेपी की आई थी, वो हवा में उड़ गई। अरे सर 5 साल आप भी तो सत्ता में रहे तो फिर आप क्यों नहीं कर पाए? जिला से पूरा जिला जोड़ा गया, एटा वाला फोर लेन वाला जो मार्ग जितनी कादरगंज वाला पुल हो अखिलेश सरकार की रोड बढ़िया है उसकी सरकार की। तो हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? संदीप सिसोदिया जी, ये बताएं कितना विकास कार्य हुआ है कासगंज में? कासगंज में विकास कार्य की तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन साहब एक बात बहुत जो मोस्ट है और एक लंबे टाइम से हम लोग जो मांग कर रहे हैं, 28 फरवरी को कमिश्नर साहब यहाँ आए थे, उनसे कहा गया था पूरे कासगंज शहर में कोई एक सुलभ शौचालय ऐसा नहीं जो खड़े होकर आदमी पेशाब कर ले। चार गेट में हमारा कासगंज बटा हुआ है, नदरी गेट, सोरो गेट, बिलराम गेट और सावर गेट पे। चारों गेटों पे कहीं ऐसा पेशाब घर नहीं है जो महिला जाके उसमें पेशाब कर ले। और जो पेशाब घर या शौचालय बनाए गए हैं उसमें 10 रुपये का टिकट लगता है, आदमी 10 रुपये दे तो पेशाब करने जाए, 10 रुपये दे तो लेटरिन करके आए। पूरे चारों गेटों पे एक शौचालय बता दें, ओटीएफ पूरा जिला ओटीएफ घोषित कर दिया गया कासगंज को, लेकिन शहर में चारों तरफ एक एक पेशाब घर बना के नहीं दिया गया। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जो सुलभ शौचालय है वहाँ पर पैसा लगता है और वो निःशुल्क कराए जाएं जिससे कि लोगों को समस्या न आए। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित तिवारी हैं। अमित जी से हम पूछते हैं, सर क्या मुद्दे हैं अमित जी यहाँ के? तो विकास की बहुत बृहद व्याख्या है, विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंस्टीट्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल फैसिलिटी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे कासगंज में 1100 किलोमीटर कुल पक्के मार्ग हैं जिनमें 90% 1000 किलोमीटर मार्ग ऐसे हैं पक्के जिन पर आदमी गाड़ी तो दूर है पैदल चल नहीं सकता, उनके ऊपर पैदल नहीं चल सकता। 1100 किलोमीटर में 1000 किलोमीटर मार्गों पर आदमी पैदल नहीं चल सकता है, वाहन चलाना तो दूर है।
इतने खड्डे हैं सड़कों में। इनका अमित जी का कहना है कि यहाँ पर खड्डे हैं सड़कों में, हमारे साथ और भी तमाम लोग, हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सलीम मेंबर। सलीम मेंबर जी बताइए कितना विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य तो जीरो है, यहाँ पर कुछ दिखाई देता है? गड्ढा मुक्त सरकार कहाँ चली गई? गड्ढा कहाँ पे है? गड्ढे गड्ढा है, सरकार तो गायब है। इनका कहना है कि गड्ढे हैं कासगंज की, कासगंज की सड़कों में गड्ढे हैं, हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सोमेंद्र जी, कितना विकास कार्य कराया है सांसद महोदय ने यहाँ? सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिटी से नहीं हूँ, मैं देहात से हूँ। हाँ बिल्कुल बताइए आप। देहात में न तो कोई गंदगी है, मतलब वो है न कहीं पानी निकास है, कुछ भी नहीं है, न कहीं खड़े है न कुछ है, कहीं सफाई कर्मी तक नहीं आते हैं, तो क्या मतलब स्वच्छ भारत किसी से हो जाएगा? क्या हो गया, पाँच साल में क्या करके दिया मोदी सरकार ने? आप किसान हैं क्या? हाँ हम किसान हैं। क्या किसान 2000 रुपए जो दिए जा रहे हैं उससे संतुष्ट हैं? जो नहीं मिलेगा वो तो संतुष्ट हैं, जिन्हें मिल गए वो तो संतुष्ट हैं थोड़े, और जिन्हें नहीं मिला है और जो भी मान लो वो बेरोजगार हैं और जिनके पास जमीन नहीं है वो ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? इकरार जी, कितना विकास कार्य हुआ है कासगंज में? कुछ नहीं हुआ। क्या आप मौजूदा सरकार से संतुष्ट थे? ये संतुष्ट नहीं है यहाँ के विकास कार्यों से। हमारे साथ कई और लोग भी मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? लाला राम जी, आप केले का ठेला लगाते हैं, क्या सरकार की नीतियों से आप खुश हैं? गंदगी इतनी रहती है, हमें कोई सारा नहीं मिला ना जी, और पंचायत नहीं तो जगह भी ना देते, कहीं जाएगा खेले वाले कहाँ जाए भाई? आप जो वोट करेंगे अभी तो किन चीजों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? वोट तो डालेंगे, किसी को तो डालेंगे, किसी को तो भाई डालेंगे, अपनी मर्जी का डालेंगे, किसी को तो किसी को देंगे भाई। क्या नीतियाँ ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? इनका कहना है कि यहाँ के जो पब्लिक है उनका भी कहना है, लाला राम जी एक ठेला लगाते हैं, उनका भी कहना है कि हम वोट तो किसी न किसी को करेंगे लेकिन यहाँ के विकास कार्य से हम संतुष्ट नहीं है। सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज सचिन, मैं कह रहा हूँ। माइक छोड़ दीजिए, बताइए बताइए। ये साहब 24.5 करोड़ का जो गंगा सफाई में हुआ है, गंगा ही सफाई हो गई ये बताया मुझे, हो गई? आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? जनता कितनी इतनी दुखी है, मैं क्या बताऊं? जीएसडी ये वो, चलिए यार क्या चाहते हो? चलिए ठीक है ठीक है, हमारे साथ और भी तमाम लोग मौजूद हैं। ये कासगंज के लोगों ने यहाँ अपनी, यहाँ कासगंज के लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी और यहाँ जो पब्लिक थी उसने कहा है कुछ लोग संतुष्ट हैं यहाँ के विकास कार्यों से तो कुछ लोग नहीं हैं। ये तो रहा कासगंज का मूड, ये तो रहा कासगंज का मूड। कल के कार्यक्रम में हमारा अगला पड़ाव होगा बदायूं, बदायूं से हम लाइव जुड़ेंगे। हमारे इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ यदि यूट्यूब पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कल का हमारा पड़ाव रहेगा बदायूं में, बदायूं की जनता के मूड का क्या है हाल वह हम जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।